Okay, in this part 3, I will show you how to plot this equation. ये इक्वेशन मैंने प्लॉट कर ली है और आप इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू या आप सिंपल कैलकुलेटर की मदद से भी प्लॉट कर सकते हैं। ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है और इसे कंपोनेंट को देखें गौर से। ये जो लाइन आपके सामने बनी हुई है ये इसी फंक्शन का की ग्राफिकल फॉर्म है। अब ये यहां से कट करके वाई एक्सिस को क्रॉस हो रहा है, तो ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए है। कितना है ये डिस्टेंस? इट इज ए इज इक्वल टू 3 व्हिच इज मेंशन इन दिस लाइन, राइट? इसका एग्री कर रहा है ना ग्राफ। तो व्हाट अगर मैं चाहूं कि वो ओरिजिन से पास हो जाए लाइन, तो यकीनन मुझे ए को 0 रखना पड़ेगा। और अगर मैं चाहूं फर्दर ये बीनीथ ओरिजिन पास हो तो हमें ए की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? यकीनन हमें ए की वैल्यू माइनस में रखनी पड़ेगी और ये लाइन से मेंशन है। सेम स्लोप के ऊपर मैंने आपको 3 अदद इंटरसेप्ट की वैल्यूज शो की हैं इस वक्त। तो इससे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर हमें स्ट्रेट लाइन को किसी भी जगह उठाकर रखना हो, मूव करना हो अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो हम ए यानी इंटरसेप्ट को चेंज कर देंगे यहां से, तो वो हमारे मर्जी के नतीजे हमें मिल जाएंगे। यानी लाइन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना हो अगर ऊपर या नीचे, तो हम इंटरसेप्ट को चेंज करते हैं। स्लोप क्या चीज है, अब स्लोप को समझे हम। इंटरसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया वो मैंने यहाँ शो भी कर दिया। अगर हम लाइन को मूव करना चाहें, डिस्प्लेस करना चाहें, तो हम ए को चेंज करते हैं। इसी तरह व्हाट इज दिस 2 व्हिच इज द स्लोप। तो अगर हम स्लोप को देखें, किसी वक्त भी दो अदद परपेंडिकुलर लाइन किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर हम अगर बना दें, ड्रॉ कर दें, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ थीटा। तो इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन स्लोप दिस स्लोप 2 एंड थीटा? तो थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन थीटा एंड बी? यकीनन जो लोग ज्योमेट्री जानते हैं वो जानते हैं कि बी इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आप बी या प्रोटेक्टर रखकर इस ग्राफ पर अगर सही एस्पेक्ट से ये ड्रॉ हुआ हुआ है, इसका एंगल मालूम कर लें, उसका टेंजेंट निकालें, तो वह टेंजेंट ये आएगा। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि हमारे पास स्लोप तो मौजूद है, थीटा मौजूद नहीं है। तो बी इन टर्म्स ऑफ थीटा है, थीटा इन टर्म्स ऑफ बी भी आ सकता है, राइट? तो कैसे आएगा? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी। किसी भी वक्त आप tan इनवर्स b जो है वो b की जगह 2 रख के मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर से। जरा कैलकुलेट तो करें, अपनी एक्सपर्टीज को चेक करें, थोड़ा वीडियो को चाहे तो पॉज कर लें आप। जी मुझे यकीन है कि अब आपने ये काम कर लिया होगा। तो थीटा की वैल्यू आ गई 63.43 डिग्रीज। तो एक सादा सी बहस करने जा रहा हूं, थीटा 63.43 डिग्रीज है। सोचने की बात है ये, क्योंकि हर सिंपल टॉपिक के अंदर कोई ना कोई बात टेक्निकल होती है। ये एंगल 63.43 डिग्रीज है। अगर ये बी की वैल्यू 1 होती, यानी सिर्फ एक्स लिखा होता 3 + x, तो अगर हम इनवर्स टेंजेंट इनवर्स 1 का निकालते हैं तो 45 डिग्रीज आता। 45 डिग्रीज का मतलब ये होगा जिस एस्पेक्ट से एक्स बढ़ रहा है उसी एस्पेक्ट या उसी तनासुब से वाई भी बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर मामला क्या है, यहां पर एक्स जिस एस्पेक्ट से बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी के साथ वाई बढ़ रहा है। कोई अगर किसी कंपनी के अंदर ग्रोथ का मॉडल इस तरह से हो कि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 63 डिग्रीज बन रहा हो, तो हम ये कहेंगे उस फर्म के बारे में कि वो फर्म अपनी ग्रोथ जो है वो अपनी लगान के हिसाब से ज्यादा वसूल कर रही है। और आपने देखा होगा इस तरह के मुहावरे बहुत ज्यादा हैं, आपने सुना होगा जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। ये जो बात है, ये एंगल अगर 45 डिग्रीज का हो तो उस पर सादिक आती है ये बात। लेकिन अगर इसे x के बढ़ने के साथ साथ y ज्यादा बढ़ रहा हो तो ये भी पॉसिबल है। बाज़ोगा तो ये होता है x ना बढ़ने पर भी y बढ़ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड जिसे कहते हैं, हींग लगे ना फिट करी और रंग भी चौखा आए। तो कुछ फर्म इस तरह की होती हैं जो बहुत ज्यादा लकी होती हैं, तो उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री से बढ़ जाता है ग्रोथ का। यहां पर आप कुछ भी रख सकते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और यहां पर रख दें नंबर इनका प्रॉफिट। तो एम्प्लॉइज के बढ़ने के साथ साथ प्रॉफिट में ज्यादा इजाफा हो रहा है, इस तरह से भी हो सकता है ना एक मॉडल। और कंपनीज का मुकाबला इसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे हो रहा होता है। इन द लॉन्ग रन कौन सी कंपनी है जो सरवाइव कर जाएगी और कौन सी कंपनी है जो डूब जाएगी, ये फैसले यही थीटा कर देता है। तो अब अगर मैं इस 2 की जगह -2 कर दूं तो क्या होगा? अब आप एंगल निकालेंगे तो यकीनन वो -63 डिग्रीज का आएगा, जो कि ऐसा नहीं होता, उसे 180 में से माइनस करके देखना पड़ता है। तो अगर मैं -2 कर दूं बी की जगह और इसी लाइन को ड्रॉ करूं, तो ये लाइन कुछ यूं ड्रॉ होगी। अब और से देखें, दो अदद मैथमेटिकल फंक्शंस मैंने डिफरेंट वैल्यूज साइंस ऑफ स्लोप के साथ दे दिए हैं।
सेम स्लोप है, साइन डिफरेंट है। तो इससे क्या समझा, समझ में आया? वो ये कि अगर हमें लाइन को रोटेट करना हो तो इस लाइन को घुमाने के लिए हमें एंगल के ऊपर लूप लगाना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस बात की इंडिकेशन करता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन पॉजिटिव है या एसोसिएशन नेगेटिव है। जब ये बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ रिग्रेशन मॉडल। तो यहां पर भी एक बहस है कि मैथमेटिकल फंक्शन और रिग्रेशन मॉडल में क्या फर्क है। तो मैं यहां पर वाजे कर दूं, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मैथमेटिकल फंक्शन एंड अ स्टैटिस्टिकल मॉडल इज द एरर कंपोनेंट व्हिच इज एप्सिलॉन और ई। तो लिखने का क्या तरीका है, अगर हम फंक्शन को इस तरह लिखें y इज इक्वल टू a प्लस bx, तो ये फंक्शन है मैथ का, डिटर्मिनिस्टिक है, जो दुनिया में नहीं हो सकता। ये मैं आपको देखें बहुत ध्यान के साथ ये बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट इतनी आइडियल रिलेशनशिप वेरिएबल्स में नहीं आती। वी ऑलवेज गॉट द स्कैटर। तो जब स्कैटर बनेगा तो वो स्कैटर लाइन से डेविएट करेगा, कुछ स्कैटर पॉइंट्स लाइन से ऊपर होंगे, कुछ स्कैटर पॉइंट लाइन से बीनीथ द लाइन होंगे। तो इस तरह ये एरर कंपोनेंट डेवलप होगा। और इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, ये जो मॉडल है ये उमूमन रैंप पे चलने वाली मॉडल्स के बारे में भी कहा जाता है, वो मॉडल्स हैं। तो आप समझ में आया, मॉडल को मॉडल क्यों कहते हैं? मॉडल को मॉडल इस वजह से भी कहते हैं कि वो अपने एरर कंपोनेंट के साथ, इसके साथ मिनिमाइज एरर करके चलने वाली कॉम। जब वो रैंप पे वॉक करती हैं तो वो आर्टिफिशियल होती है, यकीनन वो बनने की कोशिश कर रही होती हैं जो वो नहीं है। एरर को मिनिमाइज करके वो इस फंक्शन को यानी आइडियल पैटर्न को फॉलो करके दिखा रहे होते हैं। तो ये जो एरर है इसको अगर हमें देखना चाहें तो एक मैथमेटिकल फंक्शन अगर मैं इस तरह से फिट कर दूं एक स्कैटर पर, तो इस लाइन से इन स्कैटर पॉइंट्स का जो फासला है, जो रेड कलर की लाइन छोटी छोटी लाइन से मैंने वाजे कर दिया है, तो इन एरर्स को हम ई कहते हैं। और यही एरर जो है वो एक मैथमेटिकल मॉडल के मुस्तकबिल का तयन करते हैं कि हाउ अथेंटिक रिग्रेशन मॉडल इज। याद रखें, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर ही एक अच्छा मॉडल क्रिएट करती है। लेकिन बात वही है, जब कॉरिलेशन स्ट्रांग हो तो रिग्रेशन की जानिब जाना चाहिए, अगर कॉरिलेशन नहीं है तो हम रिग्रेशन की तरफ मूव ना करें तो बेहतर होगा। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इस लाइन के ऊपर, इस स्कैटर के ऊपर एक अदद स्ट्रेट लाइन को फिट करना है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एरर कंपोनेंट है इसकी वजह से ये एक मॉडल बन गया है। अब मुझे ए और बी की वैल्यूज को कैलकुलेट करके एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ वाई चाहिए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो रिकॉल द बाइवेरिएट डेटा व्हिच आई हैव शोन सम स्लाइड्स अगो बिफोर। तो आप देखें यही वाला डेटा था जिसके ऊपर मैंने इस स्कैटर को क्रिएट किया था और यहां से हम लोगों ने कॉरिलेशन भी कैलकुलेट कर लिया। अब तरीका यह है कि हमें ए और बी की वैल्यूज को एडजस्ट करके इस स्कैटर से थ्रू करना है। तो इसका पहला तरीका तो यह कि हम ग्राफिकली एक आप स्केल लें और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, ग्राफिकल मेथड बिल्कुल यूज होता है। बट इट इज सब्जेक्टेड टू हाउ अथेंटिक योर पिक्चराइजेशन इज, यानी आपका प्लॉट कितना अथेंटिक बना हुआ है, इसके एस्पेक्ट रेशियो सारे मेंटेन है, और फिर आपकी ड्राइंग पे सब्जेक्टेड हो जाती है बात। फिर आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन के साथ आपने लाइन को थ्रू किया, और ग्राफिकल मेथड के बजाय अगर आप स्ट्रेट लाइन को यूज करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल करें, ये तो अच्छी बात है। स्ट्रेट लाइन को यूज करने के लिए अगर कोई अपनी मर्जी से ए और बी की वैल्यूज रखे तो मॉडल कुछ यूं फिट होगा। अब आप गौर से देखें, क्या ये मॉडल इसका रिप्रेजेंटेटिव लग रहा है? नहीं लग रहा ना, क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू कुछ बढ़ गई है, ए को यहां से स्टार्ट होना चाहिए था, ये थोड़ा आगे से स्टार्ट हुआ है, और दूसरा इसका स्लोप भी कुछ कम है, तो स्लोप बढ़ा के ए को कम कर दें। अब हमने ए को कम किया और स्लोप बढ़ा दिया, ये तो आउट हो गया दोबारा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए तो कुछ ठीक था लेकिन अब के बी ज्यादा हो गया, तो इसको कम करें बी को, और ए को भी थोड़ा सा बढ़ाएं, और कम करें, और कम करें, ये फिर निशाना खता हो गया हमारा, और फाइनली हम इस काबिल हुए। तो ये हिट एंड ट्रायल पे चलेगा क्या? अगर इस तरह से करते रहे तो सुबह से शाम हो जानी है, अच्छा मॉडल नहीं मिलेगा। या तो एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम चाहिए हमें। तो हमें क्या, किस चीज की जरूरत है? हमें ए और बी की वैल्यूज को मालूम करना है जो हमारे लिए इस मुश्किल को आसान कर दें। ऑप्टिमाइज्ड वैल्यूज ऑफ ए और बी की कैलकुलेशन के लिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाएंगे। थैंक यू।